ठीक है, सो का मजा लें। उस सारे किचन में आपको बहुत कुछ आपको सुनाऊंगी, ठीक है? थोड़ा से है जी, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सूप तैयार है। मैंने आपके सामने फिर मैं दिखा रहा हूँ, वो जरूर ट्राई करें। हाँ देख, सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज सर्दियाँ आ गई हैं जी, विंटर आ गया जी। विंटर का स्पेशल हम सूप लेके आए हैं, कौन सूप, कौन चिकन सूप लेके आए हैं। बड़ा ज़बरदस्त बनता है, मैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? चले हम फिर रेसिपी फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये मेरे पास चिकन है, चिकन मैंने तकरीबन हाफ के जी लिया है, ठीक है? हाफ के जी की चिकन है, इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसके मैंने रेशे कर लिए, ये देखिए आपके सामने, ठीक है? ये मैंने कॉर्न लिया है, ये मैंने तकरीबन एक कप कॉर्न होगी, ठीक है? और ये सोया सॉस है, सोया सॉस हम उसमें ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे और काली मिर्च ऐड करेंगे और सिरका ऐड करेंगे और एक अंडा ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर तो हमारा ही गया जो मेन है, ये जी हमारा कॉर्नफ्लोर, ठीक है? हमने चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फटाफट बनने वाला सूप है ये, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने ये पानी ऐड कर दिया था, मैंने ज़्यादा सारा पानी ऐड किया क्योंकि हमें यखनी चाहिए, हमें सादा पानी नहीं चाहिए। देखिए कितनी यखनी, ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा यखनी, 1.5 kg यखनी होगी, ठीक है? क्योंकि अभी इसमें सारा मैंने मटेरियल डालना भी है, फिर इसको इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह भी डालूंगा तो फिर थोड़ा सा एक बोल बन जाएगा, ठीक है? फिर मैं इसके अंदर मैं आपको कुछ इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, ठीक है? चिकन मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा रह के वो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है? तो फटाफट बन जाता है सूप, तो ना फटाफट बन जाता है। ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, सर्दियों की शुरुआत होती है, सर्दियों में सूप पीना चाहिए, इससे आपका नज़ला भी जो आपको फ्लू होता है जैसे मुझे हुआ हुआ है, ये बिल्कुल गायब, मिनटों में गायब हो जाता है। और ये हमारी कॉर्न है, इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, ठीक है? थोड़ा सा ग्राइंड किया, थोड़ा सा मैंने इसको बचा लिया, साबुत भी मैंने बचा लिया, ठीक है? ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा मैंने ग्राइंड किया, ये देखिए भी मोटा मोटा नज़र आ रहा है, इसके अंदर ऐड कर दूँ, इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है ग्राइंड करके, ठीक है? अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, ठीक है? अभी मैं डालूंगी, अभी जब इसको बॉयल आएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे। ये मैंने चिकन और इसमें कॉर्न मैंने ऐड की थी, ठीक है? तो अब मैं इसमें नमक ऐड करने लगी क्योंकि मैंने यखनी में नमक ऐड नहीं किया, मैं 1 चम्मच में ऐड करूँगी नमक का, ये देखिए मैं बस इसमें नमक ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करूँगी, ये देखिए चिली सॉस है हमारे पास, ये मैं अंदाजे से ऐड करूँगी। आप इसमें 4 चम्मच बड़े 4 चम्मच ऐड कर दें, ठीक है? दूसरी सॉस कराओ बेटा, चिली सॉस कराओ। ये देखें, ये हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, ये देखें, पर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इसको साथ हम पेश कर देंगे जब कोई इसे यूज़ करना होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया, ठीक है? अब इसके बाद मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, ये देखिए मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है? फिर बस ये देखिए हम विनीगर इसमें ऐड करेंगे, वाइट विनीगर ऐड करेंगे, ये तकरीबन ये भी 3 चम्मच आएगा, ठीक है? अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना कॉर्नफ्लावर, ये चम्मच मैंने 4 चम्मच भर भर के मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए। अब मैं इसको पानी में थोड़े पानी में डाल के मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको 2-3 बॉयल आएंगे तो फिर मैं इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। बस आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के भाई जी भी बस ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है? हमारा बॉयल आ गया, अब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करने के, ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर है, इसको मैं अच्छी तरह फिर मिक्स कर दूँ, ठीक है? तो अब मैं इसमें हमने जब कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ना, तो हमने अपनी चूल्हे को हमने कम कर देना, ठीक है? मैंने चूल्हे को कम कर दिया, ठीक है? ये हम कॉर्नफ्लोर आस्ता से करके डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल आस्ता आस्ता, ये देखिए, ये आपको धुआं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करें कैमरा, मैं आराम आराम से डाल दूँ, कोई जल्दी नहीं करनी,
आराम आराम से, ठीक है। इसी तरह हम लोग जब अंडा भी ऐड करेंगे तब भी हमें ऐसे ही आराम आराम से ऐड करना है। अभी हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, ये अब इसको पकाते जाएंगे। देखिए हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए आपको सामने। अभी और पकाएंगे अच्छी तरह। नमक मैंने पहले एक चम्मच ऐड किया था, अब मैंने इसमें एक चम्मच और नमक मैंने ऐड कर दिया, तो नमक मुझे कम लगा था, ठीक है। नमक मैंने इसमें दो चम्मच ऐड किया, अब याद रखना, ठीक है। फिर ना हो मैंने ये ना सोचे कि मैंने अंडा फेंटा वो दिखाती हूँ, ये देखें। ये देखिए मेरे पास माशाल्लाह ये हमारे पास दो अंडे, ये दो अंडे हैं, ठीक है। अभी ये पक रहे तो फिर मैं इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अभी 5 मिनट पकेगा तो फिर मैं तैयार हो रहा है। मेरे हस्बैंड साहब किचन में आ रहे, कहते मैंने टेस्ट करके देखना है कि थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट करने लगे। ये देखें, ये देखें, हाँ जी, वेरी नाइस, जबरदस्त, बड़ा मजेदार। ये चम्मच दोबारा अंदर ना डालना, ठीक है। हाँ जी, ये देखें कैसे खा रहे हैं, बहुत मजेदार है। अच्छा जी, जी जाने खाते हैं। अभी तो मैंने तैयार किया नहीं, अभी तो इसमें बड़ा कुछ ऐड करना है। अभी तो मैंने इसमें एग ऐड करना है, फिर मैंने इसमें कॉर्न ऊपर डालूंगी, फिर बाहर एग डालूंगी बड़ा ज़बरदस्त करके। फिर हमें आज टेस्ट करके खुद बताना, ठीक है। आज मैंने टेस्ट करना, ठीक है। चलिए हम अपनी थोड़ा आराम से ये देखें, कितने कितने आराम आराम से डाल रही है, देखें मज़ा आ रहा है। ये देखें ठीक है, थोड़ा सा हम आ रह गए अंडा, ये देखें ये आपके सामने ही है, ठीक है। ये मैं अच्छी तरह अंडा इसमें ऐड कर लिया, और मैं अभी आपको अंडे को दिखाती हूँ सही तरह। हमने ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया सूप को, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा हम लोग सूप नहीं पीते, और आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है तो फिर इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। सूप का सादिया सादी के किचन में, ठीक है, सूप का मज़ा लें, और सादी किचन में आपको बहुत कुछ आपको सिखाएगी। अभी तो मुझे तीसरा मत मेरा जा रहा है, तो मैंने माशाल्लाह आपको इतना कुछ खा दिया है, तो आप देखते जाएँ आगे आगे बड़ा कुछ मैं आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत कुछ इंशाल्लाह। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके, बहुत बातें करती हूँ, बहुत बोलती हूँ। देखें माशाल्लाह हमारा सूप तैयार है, मैंने डिश आउट कर ली, ये देखें। अब मैं इधर टेबल पे लेके जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड टेस्ट करेंगे और उनके भाई भी साथ टेस्ट करेंगे आज, ठीक है। ये देखें आपके सामने कितना ज़बरदस्त लुक है, मैं आपको क्लोज एक दिखा रही हूँ, ये देखें क्लोज कर रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप तैयार है। इस तरह आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, सर्दियों की शुरुआत। चलें अभी आप अंदर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए माशाल्लाह हमने डिश आउट कर लिया है, हम टेबल पे ले आए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने फिर मैं दिखा रही हूँ कि ये चिली सॉस है हमारे पास, और ये सोया सॉस, और सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरे देवर बैठे हैं, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, ठीक है। मैं अभी आपको उनसे मिलाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मुँह से बोले वालेकुम सलाम, सर ला रहे हैं, देखे जैसे रहते हैं, दोनों ट्विस्ट होते हैं, दोनों जुड़वा देखे जैसी शक्ल है इनकी। आप ये टेस्ट करके दिखाएँगे भैया, चम्मच दो, चले पकड़े टेस्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़े, और हमें सही सही बताना है आपने कैसा बना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जैसा ही बने, अगर अच्छा नहीं भी बना फिर भी बताना आप। अगर आप चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं तो चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, आपकी चीज़ कभी ख़राब बन सकती है तो क्या पता, सही वाकई। आप तो जाके पीते, बाहर जाके कभी लाहौर जाके कभी इधर जाके, बताएं जी कैसा है। हाँ जी जान साहब आप बताएं, और जाइए आप छा गए। अच्छा जी, थैंक यू जी। हाँ जी, अगर ये ऐड करना सोया सॉस तो कर ले, वैसे मैंने अपनी तरफ से मैंने सब कुछ ऐड किया, बहुत कमाल है। हाँ जी, देखा कितना। अब ये मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगी, ये देखें हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और ऐड करते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखें बहुत गर्म है, और मैं टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। वो देखे कैसे पी रहे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का सूप है वाकई, बहुत टेस्टी है। हाँ, आप घर में जरूर ट्राई करें। हाँ देखा, अब वो भी कह रहे हैं घर में जरूर ट्राई करें। चलें इसके साथ मुझे इजाज़त है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी। ये देख रहे हैं फिर भी आप अच्छी तरह, ये देखिए हमारा सूप का लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।